स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मॉम रिव्यूज़ पर। आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल के लड्डू। तो कच्चा नारियल बहुत हेल्दी होता है, इससे शुगर नियंत्रित रहता है, प्रतिरोधक क्षमता की भी बढ़त होती है, ऊर्जा प्रदान करता है। और इसको बनाने के लिए नारियल के लड्डू हम नारियल ले लेंगे, इस तरह से कच्चा नारियल है ये, और इसको तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद इससे गिरी निकाल लेंगे सारी और छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो ये छिलका मैंने नहीं निकाला है क्योंकि छिलका इसका सॉफ्ट है। अगर कड़ा छिलका है तो इसको छील लेना है, नहीं तो फिर लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप इसको घिस भी सकते हैं, और दूध ले लिया है, चीनी ले ली है, आप मिश्री ले सकते हैं अगर मीठा नहीं खाते हैं तो। तो इस तरह से हम मिक्सी में पीस लेंगे। और अगर आपको कद्दूकस करना आसान लगता है तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इसको दूध में पीस लेना है, दूध में डाल के इस तरह से हो जाएगा। डेढ़ कटोरी दूध में पीसा है इतना। और इसमें हम थोड़ा सा जैसे मावा डाल देंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने इसको मलाई के साथ ही दूध डाल दिया था, बहुत मोटी मलाई थी। तो इस तरह से हम इसको कढ़ाई में डाल के भूनते रहेंगे धीरे धीरे। और कोई घी नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट इसको डाल देना है, नारियल का जो मटेरियल तैयार किया है। और शुगर डाल देंगे, और अगर आप मावा ज़्यादा डाल रहे हैं तो इतना शुगर की भी ज़रूरत नहीं है, बिना शुगर के भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए अगर मीठा नहीं खाते हैं तो, कंट्रोल करते हैं मीठा खाने के लिए। तो इस तरह से हम इसको भूनते रहेंगे धीरे धीरे। और इससे नारियल से क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी ये बचाता है हमको, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी को भी कम करता है। इससे हड्डियां और दांत स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखता है। तो हम कच्चा नारियल खाएं तो हमें फ़ायदा ही मिलेगा। और इस तरह से जो है हम प्रसाद के रूप में या किसी भी रूप में हम थोड़ा सा कच्चा नारियल अगर खाएं तो ठीक है। तो इस तरह से जब सूख जाएगा हमारा नारियल का मटेरियल ये, तो हम ठंडा होने पे, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है, और इस तरह से लड्डू बना लेंगे, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। और जैसे जैसे ये ठंडे होंगे, सूखेंगे, वाइट लगने लगेंगे देखने में। अभी थोड़ा सा कम वाइट दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होगा, सूखेगा, बहुत ज़्यादा वाइट दिखेंगे। तो इस तरह से आप ट्राई करिए, बनाइए लड्डू, खाने में भी टेस्टी रहते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तो आप इसको बना के रख सकते हैं, आराम से फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो इस तरह से आप ट्राई करिए, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बच्चों को भी पसंद रहता है। तो इस तरह से बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।